कामयाबी मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि वैशाली के जंदाहा थाना के कजरी बुजुर्ग गांव में भारी मात्रा में गांजा लाया गया, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए गांजा को बरामद कर लिया। वहीं इस मामले में एसडीपीओ ने बताया कि गांजा की मात्रा 8 क्विंटल 9 किलोग्राम है, जिसका मूल्य बाजार में करोड़ों रुपए आकी गई है। घटना यही है कि हम लोग को गुप्त सूचना मिली हुई थी कि क्षेत्र में भारी मात्रा में गांजा लाया जा रहा है। इस सूचना पर सभी को डिस्ट्रे किया गया था, सभी थाना को अलर्ट कहा गया था कि सभी लोग अलर्ट रहेंगे और चेकिंग बढ़ाएंगे। तो इसी चेकिंग के दौरान और सूचना के हिसाब से पता चला कि जंदाहा रोड में ये गाड़ी एंटर की है। इसी जानकारी पर जंदाहा थाना में जो वर्तमान में हमारे प्रोबेशनर DSP प्रदीप कुमार हैं, जो अभी थाना प्रभारी हैं, उन्हें उनकी एक टीम गठित की गई कि आप लोग भी अपनी जगह पर। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या अब तक कोई गिरफ्तारी हो पाई है? जी गीतांजा, अभी तक के जो एक रात गिरफ्तारी हुई थी ट्रक का ड्राइवर जो बताया गया DSP के द्वारा, उसके बाद अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी जो वैशाली पुलिस को मिली है, जो जंदाहा थाना की टीम के द्वारा की गई थी ये छापेमारी, एक तरह से ये करोड़ों का गांजा जो है, आपको बता दें कि सेना का जैसे जो बॉक्स होता है उसमें जो सेना का जवानों का बॉक्स जाता है, उस तरीके से ये बंद कंटेनर में लोगों को ये लगे कि ये सेना का ही सामान जा रहा है तंत्र मंत्र इधर से उधर, और उसमें ये बड़ी मतलब एक तरह से कहा जाए तो बड़ी सातिराना दिमाग लगा के जो है ये सिंडिकेट, बड़ा सिंडिकेट का ये काम जो है कहा जा सकता है इस चीजों को। और ये बहुत बड़ी कामयाबी वैशाली पुलिस को मिली है, जो 8-9 क्विंटल 8 किलो 200 ग्राम गांजा जो बताया गया है, जिसकी कीमत बाजारों में करोड़ों रुपए है, और इस पर मतलब कड़ी से कड़ी जो है अभी तक के मतलब छापेमारी लगातार चल रही है कि इसमें कौन कौन लोग संलिप्त पाए जा सकते हैं। जी गीतांजा जी, हाँ, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया संतोष।